सो गाइस आपने जो पहले देखा वो हम बनाने वाले हैं। आप ऐसे कलर कर लें, मैंने अपने हिसाब से किया है, आप अपने हिसाब से कर लें। तो ये डार्क ब्लू कलर है और ऑयल पेस्ट होना चाहिए, ये ध्यान रखना। वाटर कलर भी नहीं, ऑयल पेस्ट होना चाहिए। और ये पर्पल है और ये पिंक है। सो अभी हम इस पर अच्छे से कॉटन लगाएंगे। ओके सो गाइस यहाँ पे मैंने हाफ कॉटन लगा रही, मतलब कि पूरे अच्छे से रब कर लिया। बस ना तो मैं ऑन करना ही भूल गई कैमरा, मैंने ऑन कर लिया। और हाँ थोड़ी ज़्यादा कॉटन लेना और उनमें से थोड़ी करके यूज़ करना, जैसे कि मैं कर रही हूँ। और हाँ ध्यान रखना कि एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए जो है, ऐसा नहीं सीधा विधा करें, सीधा सीधा ऐसा नहीं करना चाहिए। बस मेरा हाफ सर्कल है तो मैं हाफ सर्कल करूँगी और कर रही हूँ। आप चाहे तो कौन से भी बना सकते हैं। तो मैं ऐसे बना रही हूँ कि यहाँ पे झूले में एक गर्ल बैठी है, तो जो आप देख रहे हो वैसे ही सेम टू सेम कर लेना है। और मैंने जैसे स्टार्ट किया मैं आपको वैसे दिखा रही हूँ, बट मैंने पहले ही थोड़ा सा कर लिया क्योंकि जैसे मुझे अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके करना था। तो उसके और अगर हाँ गलती हो जा रही है तो कोई बात नहीं, आप वैसे फिर से कर लो। बट वहाँ पर थोड़ा लाइट का तो दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं। फिर से हाफ सर्कल बनाना है, मतलब बहुत ही कम ये बहुत ईजी है। फेस बना लेना है और दो थ्री टाइप बना लेना है, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में भी। और ये गर्ल भी रेडी है और नीचे हमने अच्छे से बना लिया है फेयर। और ये दो जो साइड है वो हम धीरे धीरे रख रहे हैं, तो मैंने ऐसे लाइंस निकाल ली है छोटी छोटी सी। सभी मैं इसे पूरा अच्छे से कलर कर लूँगी ब्लैक कलर। आप चाहे तो स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस ये हम अच्छे से इस साइड की भी कलरिंग कर लेते हैं। और हाँ इसके लिए हमें सेलो टेप भी चाहिए होगी, बिकॉज हम झूले की जो जो भी होता है लाइंस जो है तो वो बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें सेलो टेप लगेगी।
सो गाइस अभी सेल टेप की ज़रूरत आ गई है मुझे, और फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे लगाना है। और मैं यहाँ पे 4 बार यूज़ कर रही हूँ सेल टेप। और फिर लगा लेते हैं। सो गाइस अभी आपको जैसे दिखाया जा रहा है वैसे ही कलरिंग करें। आस्ते पास्ते में भी अगर थोड़ी सी हो गई तभी भी चलेगा क्योंकि सेलो टेप है। सो मैंने पूरी लाइन को अच्छे से कलर कर लिया है और यहाँ पर मैं निकालूंगी। वाह देख सकते हो कितना अच्छा है। तो इसका भी मैंने निकाल दिया, ये पूरी एकदम स्ट्रेट लाइन है, बहुत अच्छी लग रही है। मैंने दूसरे का भी कर लिया बट ये थोड़ा सा मोटा पतला हो गया, कोई बात नहीं चलता है। सो गाइस अगर आप चाहते हैं तो थोड़े से बादल बना सकते हैं, वरना अभी ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर बादल बना रही हूँ थोड़े से। अब जैसे चाहे वैसे बादल बना सकते हैं। मैं वाइट कलर से बना रही हूँ, थोड़े से शेडिंग भी करती हूँ। सो गाइस जो बादल है थोड़े इस तरह से ही बनाना है, लगाना है और फिर थोड़ा सा हाथ घुमा लेना है तो वो लगेंगे कि हाँ बादल है। और ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा भी ना बनाए, थोड़े से कम भी ना बनाए, इक्वल बनाए। और ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ जहाँ पे मैंने किया है वहाँ वहाँ पे ही आप करें। तो आप जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे बादल होना चाहिए तो आप वहाँ पे बना लो, जैसे मैं बना रही हूँ। गाइस हमारी हो गई है और ड्राइंग कंप्लीट है। अगर आप चाहे तो स्टार्स भी बना सकते हैं। और हाँ गाइस ये बात का ध्यान रखना कि डार्क से लाइट करना चाहिए कभी भी, सो वो अच्छा लगेगा थोड़ा सा। तो डार्क से लाइट अच्छा लगेगा बट इसे शेडिंग में भी चलेगा, मतलब कि आधा लाइट आधा डार्क। बट कभी भी लाइट से डार्क मत करना, वो थोड़ा सा अजीब लगता है, ठीक है। सो आप अगर चाहे तो स्टार कर सकते हो। वैसे स्टार जो है वो मैंने एडिटिंग में लगा दिए हैं।